मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों, किस ग्रह की दशा में धन और सुख दोनों प्राप्त होता है। इन विच प्लेनेट्स दशा रिसीव्स बोथ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। या मित्रों, बहुत ही आवश्यक और समसामयिक टॉपिक है ये। बराबर आप दशा में और जो हम देते हैं संशय ग्रस्तता रहती है, बराबर आपके कमेंट आते हैं और हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगा कि आपके अंदर जरूर ये संशय है कि धन और सुख दोनों हो, केवल धन हो, सुख हो, धन में हो, तो इस तरह से चीजें कंफ्यूजन में रहती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत शॉर्टकट लेके आया हूँ और इसमें बहुत तामझाम नहीं है गणित का, एकदम सीधी कुंडली है। देखिए ऐसा है, केपी लग्न एंड कष्ट चार्ट एक हमने दिया है, जिसको नैसर्गिक कुंडली आप कह सकते हो, नेचुरल कुंडली कह सकते हो, जो है कुदरती कुंडली यही है, मेष लग्न की कुंडली है। और बार बार ये बताया गया है, आप जानते भी हो कि ग्रह का जो भी फल होता है वो दशा में ही होता है। जिस ग्रह की दशा चल रही है उसी ग्रह का प्रभाव रहता है उतने कालखंड तक, और उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल मिलते हैं। आज टॉपिक क्या है कि किस ग्रह की दशा धन भी देती है और सुख भी देती है, हैप्पीनेस भी देती है, प्रसन्नता देती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रखती है। तो मित्रों, बार बार प्रसंग बस आया है, हम कहते हैं 5, 8, 12 गरीबी देता है। 5 को हम इसलिए मानते हैं निगेटिव कि पांचवा स्थान छठे का व्यय स्थान होता है। आप कहीं से भी जो भी अर्निंग करते हो, जो भी धन प्राप्त होता है, और केपी सिस्टम में छठवें स्थान को सबसे श्रेष्ठ धनप्रद स्थान कहा गया है, क्योंकि छठवां स्थान सातवें का व्यय स्थान है और सातवां स्थान चाहे व्यवसाय हम करें चाहे जॉब करें, हमारा जो नियुक्ता है या जो हमारा मैनेजमेंट है, वो जो हमको देता है तनख्वाह के रूप में, अर्निंग के रूप में, या जहां से भी हम पाते, वो जो अपना व्यय करेगा तभी हम पाते हैं। इस नाते छठवें को सर्वश्रेष्ठ धनदायक स्थान कहा गया है। 11वां स्थान सर्वत्र लाभ का है, द्वितीय स्थान धन का है, और 10वां स्थान हमारे कर्म क्षेत्र का है, ऊंचाई का, प्रगति का, प्रमोशन का। तो मित्रों, 5वां स्थान हृदय का है, दिल का है, मौज मस्ती का है, ऐसो आराम का है, ये सुख का स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रह जिसकी दशा हो वो पांचवें का कार्येश हो, पांचवा भाव ये, लेकिन सबल कार्येश न हो। सबल मतलब होता है नक्षत्र के माध्यम से नहीं आया, जब नक्षत्र के माध्यम से आएगा तो छठवें का व्यय कराएगा। लेकिन अगर वो पांचवें का कार्येश है या पांचवें में बैठा है तब भी कार्येश हुआ, और जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 का कार्येश हो, मतलब 2, 6, 10 या 11 में बैठा हुआ हो और उसकी राशियां जो है 2, 6, 10, 11 में हो, अर्थात सबल रूप से 2, 6, 10, 11 भाव आए हो, और वो ग्रह जिसकी दशा चल रही हो पंचम का कार्येश है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, कुंडली मेष लग्न की है, बुध की महादशा चल रही है, बुध का कालखंड 17 साल होता है महादशा, तो 17 साल ये हमारा किस प्रकार से सुखदायक होगा और धनदायक होगा, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। और अन्य ग्रहों पर, अन्य कुंडलियों में भी आप इसी तरह से लगा सकते हो, देख सकते हो और इस लॉजिक को समझ सकते हो। केपी सिस्टम के सूत्र बहुत ही सुगम है, सरल है, सुबोध है और बहुत ही लागू होते हैं सही तरीके। मान लीजिए बुध पंचम स्थान में बैठा हुआ है, पांचवें भाव में, पांचवें भाव में
सिंह राशि है, सिंह में वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए सिंह राशि में होता है मघा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, केतु शुक्र और सूर्य का नक्षत्र होता है। केतु जो है 13° 20' कला तक होता है, 26° 40' कला तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, और फिर 3° 20' कला उत्तरा फाल्गुनी। मान लीजिए 15° पर बुध बैठा हुआ है तो शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठेगा। अब इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है बुध का, बुध तो पंचम में है, पांचवें का कार्येश हुआ और छठवें में उसकी राशि है, छठवें का भी कार्येश हुआ, तीसरे में उसकी राशि है, तीसरे का भी कार्येश हुआ, लेकिन सबल कार्येश हो माना जाएगा जिसके नक्षत्र में बैठा, नक्षत्र के माध्यम। शुक्र मान लीजिए छठवें भाव में बैठा हुआ है ये, तो अब बुध जो है, बुध चूंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो बुध में पंचम भाव है, पंचम का कार्येश है, और शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र छठवें भाव में बैठा है और द्वितीय भाव में उसकी वृष राशि, मतलब 2/6 का कार्येश हुआ, 7 का हुआ, इस तरह से 2/6/7 अर्थात पंचम भाव का जो कार्येश है कोई दशानाथ, और 2/6/10/11 भावों का सबल कार्येश है, तो उस दशा में धन और सुख दोनों प्राप्त होता है। यही नियम हमने बताया है कि कोई भी ग्रह जो पंचम का कार्येश हो तथा नक्षत्र के माध्यम से 2/6/10/11 भावों का या किसी भी भाव का सबल कार्येश हो तो उस दशा काल में धन तथा सुख दोनों प्राप्त होता है। अर्थात पंचम का कार्येश तो हो लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 2/6/10/11 आया हो, 2 आया है तब भी ठीक है, 6 आया है तब भी ठीक है, 10 आया तब भी ठीक है, 11वां आया तब भी ठीक है, तो उस दशा काल में व्यक्ति सुखी भी रहेगा, संपन्न रहेगा। 6/11 आया तो बहुत ज्यादा धन मिलेगा, द्वितीय आया है तब भी औसत दर्जे का धन मिलेगा, 10वां आया है तब भी मान प्रतिष्ठा धन उसको मिलेगा। इस पर बार बार हमने चर्चा किया है। तो मित्रों कोई भी ग्रह अगर पंचम का कार्येश हो और 2/6/10/11 का नक्षत्र के माध्यम से सबल कार्येश हो अर्थात नक्षत्र स्वामी 2/6/10/11 इन भावों में बैठा हुआ हो और इन भावों में उसकी राशियां हो तो इन भावों का वो सबल कार्येश हो जाता है और वह व्यक्ति उतने समय तक जिसपे ये दशा चल रही है वो सुखी और संपन्न दोनों रहेगा, खुश रहेगा, चमकेगा पूरी तरह से और बहुत ही सुकून में रहेगा। तो मित्रों ये तो हमने एक उदाहरण दिया है बुध के लिए, किसी ग्रह के साथ लागू हो सकता है, इसको आप किसी भी कुंडली में देख लीजिए कि अगर कोई ग्रह पंचम का कार्येश है अपने भाव के नाते और जहां वो बैठा हुआ उसके नाते और नक्षत्र के माध्यम से अगर 2/6/10/11 भावों का कार्येश है या इसमें से किसी भाव का कार्येश है तो वह कालखंड उसको धन तथा सुख दोनों देने वाला होगा। तो मित्रों वीडियो बहुत लंबा ना हो और आगे आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नीचे जो बगल में जो बेल आइकन आती है उसको जरूर पुश कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को आज से अंत तक पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सही समझ में आ जाए। सभी मित्रों को शेयर जरूर करें और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, पुनः पुनः सबको नमस्कार, धन्यवाद। और नोटिंग जो है आप जरूर देख लें, बहुत से मित्र कहते हैं लाइट आती है, मित्रों लाइट तो लाइट है, प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट मेरे व्याख्या इतनी स्पष्ट होती है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं प्रयास करता हूं कि ये लाइट न आवे, लेकिन ऐसे संसाधन हैं जिनको मैं चाहते हुए भी बहुत अधिकतम सुधार नहीं कर पाऊं, जितना संभव कर रहा हूं। इस नाते आप इसके महत्व को मर्म को समझिए और इसमें थोड़ी बेसी कमी बेसी जो है इसको स्वयं अपना काम समझ के सुधारने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।